हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई, अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग एक टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताने वाले हैं। आज के बाद आप लोग का इससे कोई भी सवाल रहेगा आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है? तो चलिए ध्यान से समझेंगे। हम लोग विदाउट फार्मूला यानी कि ट्रिक से सवाल को करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप समझेंगे, देखिए जैसे कि एक ट्रायंगल है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है X1 Y1 और X2 Y2 और X3 Y3। तो हम लोग क्या करते थे कि 10th का ये हम लोग फार्मूला को यूज़ करते थे, ठीक है? लेकिन अब विदाउट फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है? आप देखेंगे इसको एक डिटर्मिनांट के फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि आप इसको नेक्स्ट पेज में देख सकते हैं कि आप X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 1 1 1 इस तरह से डिटर्मिनेंट से भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। लेकिन ये भी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे। देखिए पहला सवाल हम लोग का यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस, है ना, 1 2 -4 -3 एंड 4 एंड 1, है ना, 4 1, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि किसी एक को आपको जीरो बना देना है। जीरो बनाने का क्या है मतलब, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए कि 1 2 है आपका, ठीक है, -4 -3 है और 4 1 है। ये आपके पास 3 वर्टिसेस है, किसी एक को जीरो बनाना है। तो हम लोग इसी को जीरो बनाते हैं। जब इसको जीरो बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको -1 जोड़ेंगे और इसमें जोड़ेंगे -2, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 0, 0 बन जाएगा, ठीक है, 0, 0 बनेगा। जब इसमें हम लोग ये जोड़े तो सब में यही चीज़ जोड़ेंगे, -1 -2 और इसमें भी -1 -2, ठीक है? तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -5 और -5, और ये हमारा हो जाएगा क्या, 3, -1, ठीक है? ध्यान देंगे यहाँ पे, सीखने के लिए समय लगता है लेकिन बनाने के लिए आपको समय नहीं देना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, जब ये आपका 0, 0 आ गया तो इसको आप छोड़ सकते हैं और इसका फर्स्ट और इसका लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका लास्ट और इसका फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है? तो जैसे कि दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -5 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। -5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका -15 आ जाएगा, और दोनों को घटा देंगे तो -15 इस तरह से लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 2। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू, है ना, तो हाफ इसको कर देंगे, आधा कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 बट्टा, है ना, 20 बट्टा क्या हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10। तो 10 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ठीक है? चलिए तो एक दूसरा मेथड भी सीखते हैं। ये हम लोग का पहला मेथड हो गया। पहला मेथड में क्या करना है आपको कि वन, ये जो भी पॉइंट दिया हुआ रहेगा किसी एक को आप जीरो बनाएंगे, और जीरो बनाने के बाद जो 2 पॉइंट बचेगा वो इस एक फर्स्ट एक लास्ट और एक लास्ट और एक फर्स्ट को मल्टीप्लाई करके दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इसके बाद 2 से उसको भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलिए आप देखते हैं दूसरा। 1, 1, 2 है, और क्या है आपका, -4, -3 है, -4, -3 है, और है 4, 1, 4, 1। देखिए आप दूसरा मेथड इसमें देखेंगे, यदि वो मेथड से नहीं करना चाहते हैं तो इसको जो कॉमा दिया में दिया हुआ है उसको बट्टा में आप करिए, तो 1/2 करेंगे, ठीक है, और इसको करेंगे -4/-3 और 4/1 करेंगे, ठीक है? जब ऐसे करेंगे एक लास्ट में, ये जो फर्स्ट में जो भी लिखेंगे फर्स्ट में वो आप लास्ट में उतार देंगे, सेम टू सेम जो रहेगा वही चीज़ उतारेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, है ना, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 दुना कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा,
चार तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, और एक को एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इस तरह से तिरछा गुना किए है ना, नीचे से ऊपर वाला है ना, एक बार आप क्या करेंगे, एक बार ऊपर से नीचे वाला गुना करेंगे और माइनस करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो माइनस लगाएंगे, आप देखिए माइनस थ्री को वन से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस थ्री होगा, माइनस फोर को वन से गुना करेंगे तो माइनस फोर होगा, और फोर को टू से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एट हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, टू कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका माइनस बारह और आठ, आपका क्या हो जाएगा, बीस, और बीस में एक चला गया तो क्या हो जाएगा, उन्नीस, यानी कि माइनस उन्नीस आपका यहाँ पे आंसर है, माइनस उन्नीस, ठीक है। फिर माइनस है, आप इसको करेंगे तो सात और तीन कितना हो गया आपका, ये चार तीन सात हो गया, माइनस सात और प्लस वन, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस वन, है ना, माइनस वन डिवाइडेड बाई क्या, टू, और ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका दस आ जाएगा, यानी कि आपका ये मेथड टू हो गया और वो मेथड वन हो गया, ठीक है। मेथड टू ये है आपका, और मेथड वन आपका ये है, आप किसी से भी बना सकते हैं जो आपको आसान लगे, ठीक है। तो हमें लगता है कि बेटर यही आपका होगा, है ना। चलिए एक दूसरा सवाल देखते हैं, इसके बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस 3.5 माइनस 2.0 एंड 6.4। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा 3.5 माइनस 2.0 एंड 6.4। चलिए किसी एक को जीरो बना दीजिए, फर्स्ट को ही जीरो बना देते हैं। तो इसको जीरो बनाने के लिए इसमें ये प्लस थ्री है तो माइनस थ्री इसमें जोड़ देते हैं, ये प्लस फाइव है तो इसमें माइनस फाइव जोड़ देते हैं, ठीक है। और यही काम आपको सब में करना है, यही काम आपको क्या करना है, सभी में करना है। तो ये आपका आ जाएगा 0.0 और ये आपका आ जाएगा माइनस फाइव कॉमा माइनस फाइव, और ये आपका आ जाएगा 3.-1। यानी कि देखेंगे सेम ही आ गया, वैसे ही ये और ये, मतलब जीरो वाले को हम लोग हटा देंगे, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 20 बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, यानी कि जो पहला वाला सवाल था वो उसका एरिया और ये दूसरा वाला सवाल था उसका एरिया, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको भी यदि हम लोग उस मेथड से करना चाहते हैं तो वैसे भी हम लोग देख सकते हैं, है ना। चलिए यदि इस सवाल को हम लोग मेथड टू से देखना चाहते हैं तो मेथड टू से हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि आपका क्या है, 3.5 हो गया आपका, और आपका हो गया माइनस टू कॉमा ज़ीरो, और आपका हो जाएगा 6.4 हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए रेशियो मेथड था तो 3/5 हो जाएगा यहाँ पे आपका, -2/0 हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा, और ये जो फर्स्ट में है वो लास्ट में लिखेंगे 3/ क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 4 दुना कितना हो जाएगा आपका, -8 होगा, और 6/5 क्या हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। इसमें हम घटा देंगे किसको, तो इसका तिरछा गुना करके, यहाँ से इस तरह से गुना करेंगे ऐसे, तो 5 दुना कितना हो जाएगा आपका, -10 हो जाएगा, और 0 ये 6 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, और 4 तिया क्या हो जाएगा आपका, +12 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप, 2 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। इसके बाद आप 30 में 8 चला गया तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे 22 बचेगा, और ये आपका -2 बचेगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ये 10/20/2 इज इक्वल टू 10, यानी कि 10 इससे भी आ जा रहा है आपका, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग इस तरह से ही निकालेंगे, है ना। चलिए क्लियर हो गया।
अगले क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, है ना। इसी तरह से ट्रिक ट्रिक के सवाल बताते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है।